नमस्कार, मैं डॉक्टर टीना सिंघल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी में रचना शरीर विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी का इस आयुष संवाद में स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है सर्दियों में होने वाले खांसी जुकाम या ठंड लगने की वजह से बुखार आना, और कोरोना में भी बुखार आता है, तो इन सब के बीच हम कैसे भेद करेंगे और इसके सर्दी जुकाम वगैरह के रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसके विषय में आज बात करेंगे। लेकिन इसके पहले सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आयुष मंत्री माननीय श्री धर्म सिंह सैनी जी का, प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, विशेष सचिव आयुष राजकमल यादव जी का, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एस एन सिंह सर जी का, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश चंद जी का, एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी की प्रधानाचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी जुकाम, जो इस टाइम दिसंबर का मंथ आ गया है और अब सर्दियाँ भी हो रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर साल जो है, जब जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार सब होने लगता है। लेकिन इस वर्ष चूंकि कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है, तो सामान्य जनता क्या है कि वो बुखार के बीच या ये जो सामान्य लक्षण है, सर्दी होना, बुखार आना, जुकाम होना और खांसी छींक आना, इन सब में सामान्यतः जो आम लोग हैं वो भेद नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से पैनिक हो जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या दिक्कत हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनमें हमको क्या क्या विभिन्नता मिलेगी, क्या क्या लक्षण मिलेंगे जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इन तीनों के बीच क्या अंतर है। तो मेनली तीन चीज़ें, या तो ठंड लगने की वजह से ऐसा होगा, या फ्लू वगैरह या वायरल इन्फेक्शन कोई होगा इसकी वजह से ऐसे सामान्य लक्षण मिलेंगे, या फिर कोरोना का संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से ये सब लक्षण मिलेंगे। तो तीनों का लक्षण हम देख लेते हैं। सबसे पहले ठंड लगने की वजह से, ठंड लगने में छींक आना, नाक बहना या बंद होना, और गले में खराश होना, थकान सी महसूस होना, इसमें ज़्यादातर ठंड लगने की वजह से जो भी दिक्कत आती है, इसमें बुखार होना जो है वो कम पाया जाता है। तो और इसमें क्या होता है कि ये अपने आप ही तीन चार दिन के बाद, पाँच दिन के बाद ये ठीक भी हो जाता है। अब आते हैं फ्लू के बारे में बात करते हैं। फ्लू में ज़्यादातर यह वायरस की वजह से ही ये इन्फेक्शन होता है, और यह ठंड के अपेक्षाकृत यह ज़्यादा दिन तक रहता है। इसमें जो लक्षण मिलते हैं उसमें बुखार, थकान, और इसमें खास बात है कि खांसी के साथ साथ सिर दर्द, शरीर में दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, नाक बंद रहती है या जाम हो जाती है, और गले में खराश भी रहती है। बच्चों में अगर फ्लू हुआ है तो इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उनको डायरिया भी हो जाता है। और बाकी जैसे क्या होता है कि ठंड जब लगती है तो उसमें सर्दी जुकाम यही अमूमन पाया जाता है, लेकिन इसमें और बीमारियां नहीं आती हैं ठंड से होने वाली सर्दी में। लेकिन जब फ्लू से होता है तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि निमोनिया वगैरह भी आगे हो सकता है, या फिर कान का इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, और बच्चों में डायरिया वगैरह भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम ठंड लगने और इसके बीच में अंतर देख सकते हैं। दूसरा अब आता है मेनली कोरोना से। तो कोरोना वाले में इसमें जो है मेनली 100 डिग्री टेम्परेचर या फिर उससे अधिक, ज़्यादातर बुखार इस टेम्परेचर का मिल रहा है इसमें। दूसरा इसमें स्वादहीनता, गंधहीनता, यानी कि स्वाद का अनुभव नहीं होगा इसमें और गंध का भी अनुभव नहीं होगा इसमें, यह इसमें एक बहुत कॉमन लक्षण मिल रहा है। दूसरा इसमें सूखी खांसी मिलेगी, और इसमें एक स्पेसिफिक फीचर मिल रहा है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह इन्फेक्शन फेफड़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इन लक्षणों के द्वारा, इन जो डिफरेंसेस हैं इनके द्वारा हम जान सकते हैं कि मतलब ठंड लगने की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर ठंड वगैरह है तो तीन चार दिन में हम उपाय के द्वारा, मतलब घरेलू नुस्खे या फिर और औषधियाँ लेके जो है चिकित्सकीय परामर्श लेकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, कोरोना का अगर हमें लग रहा है तो कोरोना के लिए चिकित्सकीय परामर्श लें, तुरंत जाके उसकी जांच करवाएं। अब अगर नॉर्मल ठंड की वजह से या फ्लू की वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम घर में कर सकते हैं,
और अगर हमारा नहीं ठीक होता है तो फिर हम उचित वैद्य से परामर्श लेकर फिर औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें घर पे हम जैसे ये कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, नाक बह रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो इन सब में हम सूप ले सकते हैं। तो सब्जियों का सूप बना के जो है पिया जा सकता है। दूसरा, इसमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पिए, गर्म पानी और सेंधा नमक से गरारे करें दिन में 3 या 4 बार कम से कम। हल्दी का दूध पिए, ये बहुत ही बढ़िया होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, तो ये और ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी होता है। तो हल्दी के दूध का प्रयोग करें, दूध में हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं या फिर कच्ची हल्दी को भी घिस कर और फिर उसको छान कर वह दूध भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो विटामिन सी बहुत ही अच्छा स्रोत है। इस टाइम प्राकृतिक, ये जो इसका प्राकृतिक स्रोत मार्केट में अवेलेबल है, आंवला है, नींबू, संतरा, इन सब के हम प्रयोग कर सकते हैं और बाकी 100 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज को लिया जा सकता है। दूसरा, अगर खांसी और बलगम भी आ रहा है तो हम घर में ही जो है वो आधी चम्मच काली मिर्च और घी के साथ उसको ले सकते हैं। इन सब उपायों के साथ साथ चाय का प्रयोग, चाय में आप अदरक तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक काढ़ा बना सकते हैं जिसमें अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, इन सब का काढ़ा बना लें। जब खूब अच्छे से जितना पानी में मिलाएंगे आप उसको, उसके बाद जब वो चौथाई रह जाएगा तो उस काढ़े को लें, उससे भी बहुत ज़्यादा बुखार में या गले के खराश में आराम मिलता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर ठंड के कारण हुआ है या सर्दी जुकाम के कारण है या कोरोना किसी के कारण भी है तो आपको सबसे पहले अपनी हाथों की स्वच्छता, इनका विशेष ध्यान रखना है। चाहे कोई भी हो, हाथों को बार बार नियमित रूप से धोएं। साथ ही अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो टिश्यू पेपर से या रुमाल से अपने मुंह को ढक के रखें। इससे आप दूसरे लोग भी आपसे बचे रहेंगे या किसी और को भी हो रहा है तो आप भी जो है अपने मुँह पर मास्क वगैरह लगातार लगा कर रखें, जिससे जो है इसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और औषधीय प्रयोगों में गोजीवादी क्वाथ, शीरीषादि क्वाथ, अमृतादि क्वाथ आदि औषधीय जो औषधियाँ हैं उनको चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा ही लें। इन सब के द्वारा जो है ये सब आप उपाय करें और जो है इसमें लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।